जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हो सब? तो आज मैं आपको अपने काम का विज़िट कराता हूँ। ये नारवल गाजियाल में हाजी शाह साहब हैं, उनका काम है, तो मैं आपको विज़िट कराता हूँ उसका। तो इंशाल्लाह आपको बताता भी जाऊँगा कि कैसे होगा। ठीक है, जो मेरे पेंटर भाई हैं वो उसकी मैं फेवर करूँगा। ठीक है, तो ऐसा ऐसा आपको विज़िट भी कराऊँगा और आपको अपना काम भी चेक कराऊँगा। आए देखें, ये भी मैंने ना किया है काम इसका, डीको का। ठीक है, इसमें एंटीक वगैरह कर रहे हैं अभी, तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा क्लियर होगा। मैं आपको शेयर भी करता जाऊंगा और इसके बारे में बताता भी जाऊंगा। ठीक है, ये नीचे जो बनी हुई है, ये चीज़ें हमारी सीनरी वगैरह बनी हुई हैं। ठीक है, इस पर अभी काम होना है, इस पर वाटर बेस लगी हुई है। आगे आए आपको बताता हूँ। ये सैंपल तैयार किए हैं। ठीक है, अभी इस पर काम होने वाला थोड़ा सा, तो इंशाल्लाह जो भी काम होगा मैं आपको जो है ना शेयर करता जाऊंगा कैसे बनना है, इसकी तैयारी कैसे होनी है। अभी सैंपल लगाए हैं तो पास हो गया, तो इंशाल्लाह अभी इस पर काम होगा। और ऊपर जो ये सीनरियाँ बनी हुई हैं, ये तो इंशाल्लाह तैयार है, थोड़ी सी बात जो है ना इस पर रहता है काम थोड़ा सा होने वाला। आ गया है, ये आपको बताते हैं। ये देखिए, भी शेडें इसकी रहती हैं। ठीक है, तो आस्ता आस्ता इंशाल्लाह वो भी क्लियर होगा। और ये दरवाजे जो हैं, ये हमारे सिलर हो गया इसको, ये वाला। ठीक है, और इसकी जो ऊपर है स्टेरा, इसका स्टेरा चेक करवाएं। ये इसका स्टेरा है, ऊपर काम हुआ है इस पर भी, तो इंशाल्लाह ये भी तकरीबन तैयार ही है। जो फिनिशिंग होगी तो मैं आपको बताता हूँ, जाऊँगा साथ साथ। और कुमार गाजन वाले थे, ठीक है, अच्छा काम करते हैं, अभी तक वो लगे हुए हैं। और ये इधर जमानत भाई लगे हुए हैं पॉलिश वाले, इधर आए हैं। ये अपने अमानत भाई, ठीक है, और ये हमारा काम हुआ है, अभी अनकम्प्लीटेड ही है, अभी कंप्लीट होगा तो आपको शेयर करूंगा। अभी इस पर काम होना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा। तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, आगे आइए फ्रंट फ्रंट एरिया। हाँ जी, ये हमारा जो ना फ्रंट एरिया है, ये गाजियाबाद में हम तैयार कर रहे हैं। इसको लाइक करें, कमेंट करें कैसा है काम हुआ है, और किसी को रहनमाई चाहिए होगी तो बता देना, हम उसको रहनमाई कर देंगे। अभी इंशाल्लाह तैयार होना है, इस पर काम होना है, काम होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील के साथ बता देंगे। ये भी इससे डिगो का काम हो रहा है। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि साथ साथ इंशाल्लाह आपको बताता जाऊंगा। अभी तो पहली वीडियो है, ये हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ, मजे रहमे करें, तो इंशाल्लाह आपके साथ भी हम ताउन करेंगे। ये गाजियाल के तो बहुत अच्छा काम करते हैं, ये किचन का काम उन्होंने किया है, चेक करवाए जी, किचन का काम बहुत नफीस तरीके से किया है। वो इधर भी दिखाएं इनको, इस कमरे में। ठीक है जी, एक रूम ये तैयार हुआ है, अनकम्प्लीट ही है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको बताते जाएंगे साथ साथ। ये गोले जो है इसके डिब्बो बनाए हुए हैं, क्योंकि उनकी फरमाइश थी तो हमने फरमाइश पूरी की है, इसको पैकिंग की है अखबार के साथ। ठीक है, और गन के साथ हमने काम किया है, डिब्बो का सारा काम हुआ है। अभी इस पर जो है ना हम ऊपर स्टोरी पे जा रहे हैं, तो ऊपर भी आपको इधर को आती है, ये बहुत मेहनत की है, हाई साहब ने बहुत पैसे लगाए हैं। ठीक है, अल्लाह पाक की उनको रहने की तकलीफ से। और ये वाला भी काम ऊपर हो गया। ये देखा, अभी इसके काम होने वाला है, थोड़ा सा कारपेंटर भी लगे हुए हैं, कुछ रंग वाले भी हमारे भाई लगे हुए हैं, वेल्डिंग वाले भी लगे हुए हैं। अभी गेट है, ठीक है, गेट बनाना है वो डिको का। ठीक है, उसे उसकी मैं शुरू से आपको बताऊंगा कि कैसे बेस बनती है उस पर डिको की। ठीक है,
उस पे जो है ना पहले नंबर पे आपने जो है ना 100 नंबर के रेखा लगाना है। अगर प्राइमर रेड वाला लगे हो तो नहीं अच्छा, ठीक है, आपने डिगो प्राइमर लगाना है उस पर। तो मैं आपको विजिट करवाता हूँ, गेट गेट बहुत हैवी है। ये भाई साहब का गेट बना हुआ है, ठीक है, ये बहुत वजनी है, ठीक है, इस पर भी काम हुआ। अभी स्टील टिन लगा रहे हैं, स्टील टिन के बाद इस पर रेगमा लगाएंगे, फिर डिको प्राइमर लगाएंगे, डिको प्राइमर लगा के फिर इस पर जो है ना वो डिको पटीन होगी, डिको पटीन के बाद जो है ना इसकी कटाई करके फिर पेंट देंगे। वो साथ साथ आपको बताता जाऊँगा, ठीक है, आपकी रहनमई भी करूँगा, आप मेरी रहनमई करें, ठीक है। अगर कोई कमी कोताही हो तो मुझे बता दें कमेंट करके, तो आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।